दोस्तों इन्फिनिक्स 2019 में बहुत सारे धमाका किया, बहुत सारे अच्छा अच्छा स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिया है कि 2019 से 2020 में और भी धमाका करेगा और भी अच्छा अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि 10,000 रुपीज के अंदर पहली बार पंचुल डिस्प्ले लेकर आया था इन्फिनिक्स। ऐसा ही दोस्तों 10,000 रुपीज के अंदर पहली बार पॉप अप सेल्फी कैमरा भी लेकर आएगा इन्फिनिक्स। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 91 मोबाइल्स की तरफ से कंफर्म्ड हो चुका है कि इन्फिनिक्स की तरफ से 2020 में जो पहला फोन आएगा वो पॉप अप सेल्फी कैमरा के साथ आएगा और उसका नाम होगा इन्फिनिक्स S6। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स S6 का सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में, किस प्राइस में इंडिया में आएगा और आएगा तो कब तक इंडिया में आएगा, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इन्फिनिक्स का जो बैक होता है वो पॉलीकार्बोनेट का होता है, तो इस फोन में भी पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जो डिजाइन होगा वो अच्छा होगा। आप हाथ में लोगे तो प्रीमियम जैसा फील देगा, अच्छा लुक देगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि प्लास्टिक का है। हाँ, जब हाथ में लेते हो तब आपको पता चलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करा जाए, यहाँ पे इन्फिनिक्स ऑफर करेगा 6.59 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले और ये होगा 20:9 रेशियो वाला फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा होगा वो पॉप अप सेल्फी कैमरा होगा। प्रोसेसर के बारे में बात करा जाए, लीक्स निकल के बाहर आया है कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 चिपसेट देखने को मिल सकता है और ये अच्छा सा चिपसेट है, लेकिन अभी ये देखना है कि किस प्राइस में लेकर आता है। 4GB 64GB वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा, एक ही वेरिएंट होगा। कैमरा के पास देखोगे इन्फिनिक्स वेबसाइट की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप ऑफर करेगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, जो सेकेंडरी सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनाबल करने के लिए यूज किया जाएगा, जो फोर्थ सेंसर होगा वो माइक्रो लेंस होगा और सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा मिलेगा और इन्फिनिक्स ही ये कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला पंचोल पहले लेकर आया था इन्फिनिक्स और पॉपअप भी पहले लेकर आएगा इन्फिनिक्स। बैटरी के पास देखोगे 5000 एमएच की बैटरी ऑफर करेगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर देगा कि नहीं। हाँ, माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी नहीं देगा और यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड पाई में रन भी करेगा। प्राइस के पास देखोगे दोस्तों जो 4GB 64GB वेरिएंट वो आपको 9000 रुपीस में इंडिया में देखने को मिल सकता है और ये इंडिया में लॉन्च होगा Q1 में, यानी कि मार्च के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, मेरी तरफ से कंफर्म्ड है। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस फोन के लिए आप एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।